हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। और रेडमी नोट 10 के लिए फाइनली एक रोल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है, जो ये एंड्रॉइड 10 का अपडेट। और इस अपडेट के बारे में आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते। तो यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये यहाँ पर चेंज लॉग दिखाया गया है। ये जो अपडेट है काफ़ी आप बोल सकते हो बगी भी है और थोड़ी सी स्मूथ भी चल सकती है। मैंने थोड़ा इस्तेमाल किया, इसकी वजह से बता रहा हूँ आपको। और इसका जो नंबर है ये का मुझे समझ नहीं आया, जो हमारा पिछला वाला अपडेट था, मतलब 0.9 था, 11.0.9 तो वो था। और डायरेक्टली 11.0.2 किस मतलब बेस पर आया है वो पता नहीं चल पाया है मुझे अभी तक। 9 बड़ा है इनके लिए या 2 बड़ा है वो समझ में नहीं आ रहा अभी। और यहाँ पे चेंज लॉक की बात करो तो इसमें सेव आपको एंड्रॉयड 10 MIUI मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच आपको जून 2020 की मिल जाती है और सिस्टम सिक्योरिटी को इंक्रीज किया ऐसा बताया इन्होंने चेंज लॉक में। यहाँ पर बाकी के फीचर्स की बात करें एंड्रॉयड 10 की, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला आपको एंड्रॉयड 10 का। ना आपको नेविगेशन बार मिला है जो हमारा एंड्रॉयड 10 जेस्चर वाला, ना वो मिला है, ना ग्लोबल डार्क मोड का जो ऑप्शन आता था MIUI का जो चाइना रोम था उसमें, ना वो मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ एक अपडेट दी, मतलब लगना चाहिए लोगों के अपडेट मिल रहे हैं हमें, और वैसे ही कुछ किया है। अगर आप कंपेयर करेंगे रेडमी नोट 10 चाइना रोम से तो काफ़ी कुछ कम मिल जाता है हमें इंडियन रोम में, वो पता नहीं चल पा रहा है इंडियन डेवलपर्स क्या कर रहे हैं। मतलब काम चाइना में हर कुछ अच्छा बनाते हैं, मतलब ऐप्स वगैरह, यहाँ पर हमारे पास कोई बनाता ही नहीं वैसा, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो इसमें होम स्क्रीन में आपको जो ऐप ड्रॉअर का फंक्शन है वो ऑफिशियली इसमें मिल गए। मेरा ना मैंने ना किसी मतलब डेवलपर या फिर कौन से वर्जन को अपडेट किया, आप अल्फा को स्टेबल वर्जन है लॉन्चर का, इसमें आपको ऐप ड्रॉअर का फीचर मिल गया। इसके बाद आपको बात करें डार्क मोड की, डार्क मोड में आपको कुछ नहीं मिला है, सिर्फ शेड्यूल का था, वो शायद पिछली अपडेट में भी था तो कुछ चेंजेस नहीं उसमें, कोई बात नहीं जान दो। इसके बाद मेन रहेगा ना हमारा दिखाना था मेन, वो एंड्रॉयड 10, सिर्फ नाम के लिए एंड्रॉयड 10 है, बाकी कुछ तो एंड्रॉयड 10 के फीचर्स दिए नहीं उन्होंने, सब निकाल कर दिया है। वो हम दिवाली में कुछ मेरा भाई है वो इसे निकाल लेता है, वो जो लौंगी होते हैं ना वो निकाल निकाल के फोड़ता है, वैसे कुछ किया है, सारे निकाल लिए है और बाकी का जो कचरा थे वो यहाँ पे दे दिया है। मैंने जैसा बताया कि सिक्योरिटी पैच आपको नया मिल लेटेस्ट मिल जाता है, लेटेस्ट मतलब एक महीना पुराना ही मिलता है हमें, कस्टम रोम की तरह हर महीने नहीं आता वो, तो यहाँ पर 1 जून का आपको मिल जाता है पिछले मंथ का, तो ये भी आपको एक मान लेने की बात है कि वह मिला है हमें सिक्योरिटी पैच लेवल, कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ चेंजेस नहीं इसमें, शायद ये जो प्राइवेसी ऑप्शन है ये आपको मिला है, जो MIUI 12 में शायद आने वाला था वो इसमें भी आपको मिल गए हैं, जिसमें आप परमिशन मैनेज कर सकते हो, कौन से आपको कितनी परमिशन वगैरह देनी है, यहाँ पर सारा जो वो शायद पहले था लेकिन किसी अलग सेक्शन में था, ये प्राइवेसी का अलग सा किया इन्होंने, तो इसमें आपको मिल जाता है। तो कुछ मतलब कुछ भी नहीं है इस अपडेट में, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊँ मैंने जो खींचा था, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो अपडेट है वो कितनी साइज़ है उसकी देख सकते हो, 2 GB की, और उसमें कुछ भी नहीं है, ना बॉटम नेविगेशन है जो एंड्रॉयड 10 जेस्चर वाला वो नहीं है, ग्लोबल डार्क मोड नहीं है, तो आपको कुछ भी इसमें नया देखने को नहीं मिलता है, सारा का जो वही वाला पिछला वाला ही सारे फीचर्स वगैरह जो भी वो उनके लिए। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब आप फालतू में डाउनलोड करते बैठेंगे इतना 2 GB का अपडेट, और ना कुछ भी नहीं है मतलब इसमें, तो आप ना करें तो ही बेहतर है। और मैं ना इसमें आपको गेम प्ले वगैरह कुछ भी दिखाने वाला नहीं हूँ, मूड ऑफ ही हो गया, उन्होंने मूड ऑफ कर दिया है कि यार कस्टम रोम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और ये अभी तक यहाँ पर ही अपनी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।